नमः संस्कृताय। निषत्कम में अर्थ पद्धति की व्याख्या चल रही है। 35वां श्लोक आपके सामने लाए हैं। अर्थ पद्धति में अर्थ की ही महत्ता बताई जा रही है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि ये चीज़ें नष्ट होंगी तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर बताया कि दानम भोगो नास्ति श्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यहाँ बताया कि दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति यो न भुंकते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यहाँ बताया कि दान भोग नाश, दान देना, उपभोग करना और नष्ट हो जाना, तिस्रो माने तीन, गतयो माने गति हैं, वित्तस्य माने धन की, भवन्ति माने होती हैं। वित्तस्य माने धन की, वित्तस्य माने धन की तीन गतियां होती हैं। प्रश्न आया था कि धन की कितनी गतियां होती हैं। धन की तीन गतियां होती हैं। पहला बताया दान, दूसरा बताया भोग, तीसरा बताया नाश। धन की तीन ही गतियां होती हैं। भरतियर ने बताया धन आप तीन ही प्रकार से खर्च कर पाओगे। यदि धन पा रहे हो या तो दान करो या तो उपभोग करो, नहीं तो स्वतः धन खत्म हो जाएगा, धन स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो बताया कि दान भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, कि जो दान भोग नाश तीन गतियां, भवन्ति माने होती हैं, वित्तस्य माने धन के। पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। और बताया यो न ददाति माने जो न देता है, और न भूंकते जो न खाता है। ऊपर तीन गतियां बताई, दान भोग नाश, धन की तीन गतियां हैं। अब नीचे उदाहरण दिए कि यो न ददाति जो न देता है माने जो दान नहीं देता, और न भूंकते जो उसका उपभोग नहीं करता। तो भर्तृहरि ने कहा कि तस्य तृतीया गतिर्भवति, बहुत ही सफाई के साथ कहा उसकी तीसरी गति होगी। भर्तृहरि ने नाश नहीं लिखा कि उसका धन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। ऊपर बता दिया धन की तीन गतियां हैं, दान भोग नाश, जो न देगा जो न खाएगा तो उसकी तीसरी गति हो जाएगी, तस्य तृतीया गतिर भवति, अर्थात उसका धन नष्ट हो जाएगा। कितनी सफाई से लिख दिया तस्य तृतीया गतिर भवति, उसकी तृतीय गति, तीसरी गति हो जाएगी। आपको मालूम है कि तीसरी गति क्या होती, दान भोग नाश। तो यह इस श्लोक की व्याख्या है। श्लोक में कुछ है नहीं, लेकिन यह प्रश्न बहुत बनते हैं। तृतीया गति भवति मतलब तृतीया गति कौन है, नाश है। द्वितीया गति कौन है, धन की, भोग है। प्रथम गति कौन है, दान। इस तरह से प्रश्न बनेंगे कि यो न ददाति न भुंकते तस्य तृतीया, यहाँ छोड़ देगा खाली स्थान, भरिए। आपको श्लोक याद होंगे तो आप कर ले जाएंगे। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।